press the bell icon on the YouTube app and never. जो पार्टी है वो कांग्रेस से अलायंस है, क्योंकि केरला में जब कांग्रेस की अलायंस पार्टी है तो डेफिनेटली पुलिस उनके पपेट्स हैं। और बजावते खालिद मिशाल के उस खालिद मिशाल जैसे टेररिस्ट के वर्चुअल स्पीच को वायरल करवाया गया है कि जो सुन सके हैं लाखों की भीड़ में मुसलमान वो सुने, और जो ना सुन सके हैं घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से उनको सुनवाया जाए। ये तो पूरी प्लानिंग चल रही है कि किस तरीके से सारा एक नेटवर्क चलाना है। जैसे आपने बताया कि ये तो इस बजाहर तो यही फिर लग रहा है कि ये डिमांड नमाज की नहीं है, डिमांड ये है कि हम अलग से कुछ जगह ऐसी हो को मीटिंग जहां पर हम कर सकें या प्लानिंग जहां पर बैठकर हम आगे कर सकें कि किस तरीके से इस नेटवर्क को चलाना है। तो यहाँ पर ये मैं सवाल यही है कि जो इंडियन मुसलमान हैं वो भी ये सारे चाहते हैं कि हमें साइंस टेक्नोलॉजी लेबॉरेटरी ये सारा कुछ ना हो, हम बस उसी काम पर लगे रहें कि जो काम हमें ये समझे कि नहीं करना चाहिए, हमें एक प्रोग्रेसिव इंडियन बन के वहाँ पर रहना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो में आप देखेंगे कि पीसफुल कम्युनिटी की जो हिजाब वाली जिहादने हैं वो केरला के क्रिश्चियन कॉलेज जिसमें हर धर्म की लड़कियां और बच्चे पढ़ते हैं वहां पे अब मस्जिद बनाने की डिमांड कर रही है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया राय खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट नॉलेजेबल और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। अभी हालिया में जब फिलिस्तीन और हमास और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था तो खालिद मशाल ने बजावते वर्चुअली एक बहुत बड़ा सेमिनार किया था जिसमें वो वीडियो से जुड़ करके केरला के लाखों मुसलमानों को भड़का रहा था और हिंदुओं को गाली दे रहा था और हमास और फलस्तीन के फेवर में खून की नदियां बहाने के लिए सजेशंस प्राप्त कर रहा था, मशवरे दिए जा रहे थे। और वो मीटिंग ऑर्गेनाइज भी जो है, क्योंकि केरला में कांग्रेस की पकड़ है, क्योंकि केरला में जो पार्टी है वो कांग्रेस से अलायंस है, क्योंकि केरला में जब कांग्रेस की अलायंस पार्टी है तो डेफिनेटली पुलिस उनके पपेट्स हैं। और बजावते खालिद मिशाल के उस खालिद मिशाल जैसे टेररिस्ट के वर्चुअल स्पीच को वायरल करवाया गया है कि जो सुन सके हैं लाखों की भीड़ में मुसलमान वो सुने, और जो ना सुन सके हैं घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से उनको सुनवाया जाए। ये तो पूरी प्लानिंग चल रही है कि किस तरीके से सारा एक नेटवर्क चलाना है। जैसे आपने बताया कि ये तो इस बजाहर तो यही फिर लग रहा है कि ये डिमांड नमाज की नहीं है, डिमांड ये है कि हम अलग से कुछ जगह ऐसी हो को मीटिंग जहां पर हम कर सकें या प्लानिंग जहां पर बैठकर हम आगे कर सकें कि किस तरीके से इस नेटवर्क को चलाना है। तो यहाँ पर ये मैं सवाल यही है कि जो इंडियन मुसलमान हैं वो भी ये सारे चाहते हैं कि हमें साइंस टेक्नोलॉजी लेबॉरेटरी ये सारा कुछ ना हो, हम बस उसी काम पर लगे रहें कि जो काम हमें ये समझे कि नहीं करना चाहिए, हमें एक प्रोग्रेसिव इंडियन बन के वहां पर रहना चाहिए। मुजफ्फर भाई, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। जैसे कल की मैं एक बात बता दूं, कल मेरे पास एक लड़की आई है अपने डिवोर्स के केस को लेकर के, उसकी हस्बैंड ने उसको, लड़का भी मुसलमान और लड़की भी मुसलमान, ये लोग कहाँ रहते हैं, पश्चिम बंगाल के कौशिकपुर में रहते हैं, कोलकाता के कौशिकपुर में रहते हैं। लड़की का नाम मैं रिवील नहीं करूंगी। वो बहुत रोती चिल्लाती हुई मेरे पास आई और कहा कि मेरे हस्बैंड ने एक बेटी होने के बाद मुझे छोड़ दिया है और एक हिंदू से शादी कर दी है। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम कितनी पढ़ी लिखी है, तो उसने कहा कि मैंने क्लास 10। मैंने कहा मैं तुम्हारा एडमिशन करवा देती हूँ, तुम आगे HSB कर लो, खर्चा मैं दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने फिर कहा कि नहीं मैम, मैंने तो क्लास 9 भी नहीं किया। मैंने कहा फिर झूठ क्यों बोली? तो फिर कहने लगी कि नहीं, वो शर्म आ रही थी इसलिए झूठ बोल दिया। फिर मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, तुम क्लास 8 का अपना रिजल्ट लेकर के आओ, मैं क्लास 9 में तुम्हारा एडमिशन करवाती हूँ,
कम से कम हायर सेकेंडरी कर लो। तो कह रही है कि नहीं मैम मेरा सब कोई मजाक उड़ाते हैं। मैंने कहा बहुत पेशेंस से सुनना पड़ेगा इस स्टोरी को, ये कल मेरे ऑफिस में हुआ है, इसी चैम्बर में हुआ है। तो मैंने कहा कि अरे दुनिया बैठी है मजाक उड़ाने के लिए, और मुसलमान तो मजाक उड़ाते ही हैं, उनको छोड़ दो, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, तुम अगर पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो। इंस्टेंट वो मेरे को क्या रिप्लाई दे रही है, हालांकि वो रहती है कौशिकपुर के मुसलमान एरिया में, हाईली मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया में, जहां पर हिंदुओं का रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन, क्योंकि जहां पर मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया वेस्ट बंगाल में होता है वहां पर मुसलमान किसी भी हिंदू को रहने नहीं देते हैं, अत्याचार करके हटा ही देते हैं, और इतने ज्यादा गाय गोश्त की दुकान वो लोग खोल देते हैं कि उसमें हिंदू रह भी नहीं पाता है, वो सस्ते दामों में बेच करके निकल जाता है, या यूं कह दे कि हिंदुओं को मजबूर कर दिया जाता है कि वो यहां से निकल। हाँ, अब वो सडनली पहले उसने कहा कि नहीं मेरे तो पड़ोसी है कहकशा, वो कह रही है कि एक बच्चा हो गया अब तुम क्या पढ़ोगी। मैंने कहा मुसलमान लड़कियां खुद भी पढ़ती नहीं है और तुमको भी पढ़ने से पीछे हटवाने की कोशिश कर रही है। इमीडिएट वो कह रही है नहीं नहीं एक शिखा नाम की लड़की है हिंदू है वो भी मेरे को कह रही है कि मत पढ़ो अब तो तुमको बच्चा हो गया है। मैंने कहा चलो तो अभी इसी वक्त चलो वो शिखा से मुझे मिलाओ। मैंने अपना पर्स उठा लिया, वो समझ गई कि अब ये जाएगी ही, क्योंकि भारत में लोग जानते हैं कि नाजिया थोड़ा सा उल्टा बुद्धि है, भारत में प्राय सारे लोग जानते हैं कि ये थोड़ी सी उल्टी बुद्धि वाली है। मैंने अपना पर्स उठाया और मैंने कहा चलो तो मिलाओ तो मुझे उस शिखा से, मैं ये उम्मीद नहीं करती कि एक सनातनी बेटी इतनी बड़ी गलती है। अब उसके बाद रोने लगी, कह रही है कि नहीं मैंने झूठ बोला। मैंने कहा कि तुम्हारा हस्बैंड लव जिहाद कर रहा है और तुम उसका केस लेकर के मेरे पास आई हो और तुम्हें नहीं पढ़ना है और तुम एक हिंदू सनातनी बेटी को बदनाम कर रही हो कि वो तुमको तुम्हारा मजाक उड़ा रही है, मतलब ये स्टोरी कुक कैसे कर लेती हो, इतना झूठ बोल कैसे लेती हो, सुन्नत रसूल है झूठ बोलना और गाली देना या अल कुरान से सीखी हो झूठ बोलना। अब आप समझिए कि भारत में जो मुसलमान रह रहे हैं 20 करोड़ की आबादी में, उसमें 15 करोड़ मुसलमान जो है वो भारत को बर्बाद करने की स्ट्रेटजी में लगे हुए हैं, और 5 करोड़ जो मुसलमान हैं वो एपीजे अब्दुल कलाम वाले मुसलमान हैं, वो तारिक फताह साहब वाले मुसलमान हैं, वो नाजिया इलाही खान वाली मुसलमान हैं, वो शाजिया इल्मी वाली मुसलमान हैं, वो उस्ताद बिस्मिल्ला खान वाले मुसलमान हैं, वो मुसलमान हैं 5 करोड़। अब आप समझिए कि 3 लाख से ऊपर मस्जिदें होने के बावजूद, 300 मीटर की दूरी पर मस्जिद होने के बावजूद आपको एक कैथोलिक कॉलेज के अंदर जगह चाहिए कि औरतें अपना नमाज अदा करें और मर्द अपना नमाज अदा करें, जबकि उस कॉलेज में ब्राह्मण भी पढ़ रहा है, यहूदी भी पढ़ रहा है, ईसाई भी पढ़ रहा है, तो बेसिकली उनको नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं चाहिए, उनको अपनी टेररिज्म एक्टिविटीज के मशवरे करने के लिए जगह चाहिए। अभी मैं आपको हालिया की बात बता दे रही हूँ, मात्र 48 घंटे पहले की बात, इजराइल के नजर में चढ़ गया था इस्माइल हानिया, क्योंकि ईरान से बैठे बैठे और खतर से दिमाग लगा लगा करके और पैसे ले ले करके क्या कर रहा था, इजराइल के खिलाफ काम कर रहा था और हमास को मदद कर रहा था और आवाज ऊंची कर रहा था कि पूरी दुनिया के मुसलमान एकत्रित हो जाओ और हमास के फेवर में बात करो। इसी इस्माइल हानिये के बातों में आकर के अरब में कुछ लोग मक्का मदीना के सामने खड़े हो गए थे फलस्तीन और हमास की हिमायत में, आज भी नंगे होकर के कोड़े खाने पड़ रहे हैं उनको। इसी इस्माइल हानिये के मशवरे में आकर के भारत में बहुत सारे मुसलमान खड़े हुए और अवेसी तो है ही है, इन लोगों का सबसे बड़ा सरपरस्त मंच से आवाज उठा दिया फलस्तीन जिंदाबाद, उसके बाद लोकतंत्र के मंदिर में पार्लियामेंट में शपथ समारोह के दिन शपथ लेते लेते संविधान का शपथ लेते लेते फलस्तीन जिंदाबाद का जय जयकार कर दिया। अब ये इस्माइल हानिये के मरने के बाद, ज्यादा देर नहीं 48 घंटे की बात है, इस्माइल हानिये जो मर गया है, अब खालिद मिशाल को जैसे ही पता चला है
कि भाई सेकेंड टारगेट इसराइल की नजरों में वो आ चुका है। और क्योंकि इसराइल अगर किसी को देखता है, रशिया और इसराइल की नजर बड़ी तेज होती है, वो अगर किसी को देखता है तो छोड़ता नहीं उसका काम हो गया। हाँ, और उनकी मतलब उनका स्टेटमेंट भी बड़ा न्यूट्रल और क्लियर रहता है, तुम हमको छेड़ो मत और अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे। अब जैसे ही खालिद मिशाल को पता चला है कि सेकेंड टारगेट वो है, सिर्फ कतर या ईरान में मातम नहीं मच रहा, भारत में भी खालिद मिशाल के लिए, खालिद मिशाल के फेवर में मातम हो रहा है। और अवेसी जैसे लोग, राहुल गांधी जैसे लोग और मुसलमान समाज के ठेकेदार बने हुए भारत के लोग बड़े चिंतित हो गए हैं, बड़े बड़ी परेशानी में आ गए हैं और बड़ी दुख भरी दास्तान सुनाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि अगर खालिद मिशाल मर जाता है तो कहीं ना कहीं भारत में बैठे ये आतंकवादी मुसलमान जो आधार कार्ड पॉकेट में भारत का लेकर के घूमते हैं, जो योजनाएं मोदी जी की लेते हैं और सुरक्षा इसी भारत की सेना से लेते हैं और गुणगान खालिद मिशाल का गाते हैं, कहीं ना कहीं कमजोर तो हो जाएंगे। तो खालिद मिशाल के मरने की खबर पर आंसू सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बहा रहा है, हमारे भारत में बैठे हुए कई लाखों करोड़ों मुसलमान भी बहा रहे हैं और उसी का एक टुकड़ा है ये। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ PFI बल्कि जो इस्लामिस्ट हैं उनके भी प्लान को एक्सपोज किया और अपने स्टोरी के माध्यम से ये बताया कि इन पे कभी भी भरोसा मत करिए, ये कभी भी आपको झूठ बोल के धोखा दे सकते हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आप किसी लेटेस्ट दमदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।